एक ओर सरकार सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के नारे के साथ सूबे में दोबारा सत्ता पाने में कामयाब रही, तो वहीं जनपद फर्रुखाबाद के कई ऐसे ग्राम हैं जो विकास से अछूते हैं और जहां विकास की एक किरण भी ग्राम के आसपास होकर नहीं गुजरी। तो नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। दोस्तों, खबर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। तो आज से हम अपना नया प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सुनो सरकार, और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आम जनमानस की आवाज अपने जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधियों, यहाँ तक कि सूबे के महान मुख्यमंत्री तक पहुँचाने का कार्य करेंगे। तो सुनो सरकार के प्रथम एपिसोड के तहत हमारे सहयोगी मेहराज अहमद पहुंचे कमालगंज के ग्राम करीमगंज में, जहां उन्होंने समस्याएं नहीं समस्याओं का भंडार देखा, जहां उन्होंने देखा कि 10 वर्षों से कहीं आधी अधूरी कॉलोनी पर छप्पर पड़े हैं तो कहीं पर कई जमानों से लोग पॉलिथीन के नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जबकि हमारे सहयोगी को ग्रामीणों ने बताया कि शायद ही कोई जनप्रतिनिधि या सरकारी दफ्तर का दरवाजा बचा हो जहाँ उन्होंने हाजिरी नहीं दी हो, परंतु कामयाबी उनके हाथ नहीं लगी। उन्होंने बताया कि पिछले प्रधानी में जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुछ पात्रों को आवास मिले थे, परंतु वे भी आधे अधूरे पड़े हैं। किसी की दीवारें खड़ी हो गई हैं तो छत नहीं है, और किसी की बुनियाद भर गई है तो दीवारें नहीं है, और जो मनरेगा के पात्र हैं उनके लिए कार्य नहीं है और ना ही उनका खाता है, और जो लोग सक्षम हैं जिन्हें सरकार द्वारा पेंशन मिल रही है वह मनरेगा के तहत पैसा ले रहे हैं। तो इसी प्रकार की घनिष्ठ समस्याओं को लेकर करीमगंज के निवासियों से भावुक होकर यूपी 76 न्यूज को बताया। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार नाम है, लेकिन हमारे भाई का नाम कमलेश कुमार, उनकी वाइफ लता, उनके नाम कॉलोनी थी सर। अच्छा, किस गांव के निवासी हो? करीमगंज निवा। प्रधान इस समय कौन है? इस समय नसीम अहमद। समस्या क्या है आपकी? समस्या सर ये है कि ये जंगी सिंह के प्रधान के जमाने में सर ये हमको कॉलोनी दी गई थी जी, उसमें एक ही किस्त दी गई है सर, दूसरी किस्त अभी दे रहे हैं करते 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 जब उनकी प्रधानी खत्म हो गई तब बाद में ये पता लगा, आप वहाँ से ब्लॉक जाइए, वहाँ चेक कराइए, वहाँ कराइए, कोई का बोलता है जो जिसके अंडर में थी उन्होंने चेक निकाल ली होगी, जबकि सर एक ही बार चेक मिली हमको, बस दोबारा बोले हम मिलेगी तो अधूरी अधूरी आज तक पड़ी है सर। कितनी कई वर्ष हो गई ये सर? करीब करीब 12-14 वर्ष हो गए सर, तब से ये अधूरी पड़ी है जी सर। दूसरी किस्त नहीं मिली? नहीं मिली सर। अच्छा, जो मौजूदा प्रधान है जब उनके पास आप गए उन्होंने क्या कहा? वो सब यही सर, हर प्रधान यही बोलता है जब उनके बाद जब किसी के पास जाओ तो यही बोला कि जिनके अंदर जिनके समय में ये कॉलोनी बनी है आप उनसे बात करिए, नहीं तो आप ब्लॉक जाइए, ऊपर अधिकारियों के पास जाइए, सर हम कहाँ कहाँ दौड़ेंगे। तो आप लगातार चक्कर काट रहे हैं यहाँ के वहाँ के? जी सर, जी सर, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, और वो पैसा कहाँ चला गया सर ये हमें भी पता नहीं है। मिथिलेश। किस गांव के निवासी हो? यहाँ करीमगंज निवरा का निवासी हूँ। अच्छा अच्छा, समस्या बताइए आपकी क्या है? ये कॉलोनी जो अधूरी पड़ी है कितना समय हो गया है? इसको समय हो गया सर, मतलब सामान लगा भी हुआ है, 15 साल इरफान की प्रधानी में मिली थी, मतलब इससे पहले जो प्रधान थे तब मिली थी? नहीं 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 नहीं, उससे भी पहले पूर्व प्रधान, उससे भी पहले मिली थी इरफान की प्रधानी में। अच्छा हाँ, तब से दूसरी किस्त नहीं आई है? न क्यों? अब पता नहीं सर, बताते हैं कि बस हो गया जितना था, 70,000 रुपए दिया था कि आपको 70,000 रुपए मिल रहा है, अच्छा आप बनवाइए, तो जितना मतलब बना उतना बना और बाकी सामान लगा हुआ है। थोड़ी समस्या भी सर आ गई, बच्ची का ऑपरेशन भी कराया इसलिए भी थोड़ा लेट हो गए। तो जिस समय प्रधान है उनके पास आप गए थे? नहीं। तो उनके पास जाते उनसे कहते? अब उनसे कहते वो कहते हैं, तो ये कहते हैं कि अपना जो जिसके समय में हुआ है उनसे बोलिए, वो कहाँ पैसा चला गया, कहीं चला गया, आप जाके इंक्वायरी करिएगा। क्या नाम है आपका? सरवण कुमार। कौन गांव के निवासी हो? करीमगंज। क्या समस्या है आपकी बताइए? समस्या ये है कि इतनी साल हो गए, 5-10 साल हो गए हमको ना आवास नहीं मिला बिल्कुल, विकलांग आदमी है घर की पोजीशन देख ली। तो मौजूदा जो प्रधान है आपने उनसे कहा? उनसे कहा, उनने खाली लेटरिंग दी है, अब उनके हाथ में तो अब आई है प्रधानी, इससे पहले जो थे प्रधान उनने कुछ नहीं सुनवाई की हमारी, नहीं आवास। आवास के लिए आप कहाँ कहाँ गए? हम DM के पास गए जी, और ब्लॉक में गए जी, हाँ बहुत दरखास्त दी साहब हमको, कोई सुनना पे काल की कहीं सुविधाएं नहीं मिली हमको, कहीं से कोई आश्वासन नहीं मिला, बेकार भवन गए, हर जगह गए। आवास के लिए कितने वर्षों से भटक रहे आप? आज हो गए 10 साल है सर, तब से हाँ। कोई सुविधा सरकारी नहीं मिली कुछ नहीं।
क्या नाम है आपका? नबी मोहम्मद। कौन गाँव के रहने वाले हो? करीमगंज के यही घर आए, मतलब हमारे भतीजे का। अच्छा अच्छा, क्या समस्या क्या है आपकी? कई साल से भटक रहे, किसी प्रधान ने कालोनी आज तक नहीं दी। बिचारों ने अभी जब मिट्टी छोपा छापी करी, जब उनकी वालदा मरी गई तब। कहाँ कहाँ गए कालोनी लिए उन्होंने? कहा कई जगह गए कालोनी, किसी सुना ही नहीं, किसी प्रधान ने नहीं सुना। प्रधान थे उन्होंने दी नहीं, अभी नए प्रधान तो अभी तो थोड़े टाइम हुआ है। न नए प्रधान ने दी, न पुराने प्रधान ने दी। कितने कितने सालों से भटक रहे? कम से कम 15-20 साल हुई है। 15-20 सालों से आप आवास के लिए भटक रहे, आपको आवास नहीं मिला ना? अच्छा, किसी भी प्रधान ने नहीं दिया? नहीं दिया। तो आपने इसके लिए कहीं गुहार लगाई? हाँ, मतलब जो है गुहार का मतलब, यहाँ लड़का था वो है का मकल, तो अपनी अम्मा के मारे मतलब जो है कहीं जाने आने काबिल नहीं। कुल मिला तमाम कोशिशों के बाद भी मतलब आवास नहीं मिला? नहीं मिला।